क्वेश्चन सीरीज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो जिन क्वेश्चंस पे बात करने वाले वो है यूके पीएससी का जो 2017 का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मैथमेटिक्स से स्क्रीनिंग पेपर था उसके क्वेश्चन उठाए हमने। जो क्वेश्चन उठाए हैं वो है लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको कलेक्ट किया और इस शीट पे लाया और हम उनका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी एग्जाम हो रहा अभी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो यूके पीएससी करवा रहा है। अगर आप एएसओ की बात कर लो, असिस्टेंट सब स्टैटिकल ऑफिसर, या लेक्चरर की बात करिए, या स्टैटिकल ऑफिसर जो ग्रुप बी की पोस्ट है इसी में, ठीक है, वो सारे यूके पीएससी करा था। तो इससे एक आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए यूके पीएससी में उनका फॉर्मेट क्या है या किस बुक के किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी और जो पेपर है उनके भी हम क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे और इस पेपर के अंदर रियल हो ग्रुप हो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे एक साथ कलेक्ट करके अलग अलग उनका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या दे रखे, दो सब स्पेस है वी ओवर एफ के। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑलवेज फॉर्म अ सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ सेम वेक्टर स्पेस। यानी कि ये कह रहा दो सब स्पेस है तो वो दो सब स्पेस अगर इस फॉर्म में रखे जाए तो कौन सा हमेशा सब स्पेस बनेगा वो चेक करना। अगर आप वेक्टर स्पेस के बारे में जानते हैं तो V ओवर F ये स्पेस ओवर फील्ड F वेक्टर स्पेस बनाता अंडर एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन ऑपरेशन होता है इसके अंदर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता। ये वेक्टर स्पेस बनाता जब ये कुछ प्रॉपर्टीज रहती, 8-9 प्रॉपर्टीज वो ट्रू रहता। अब क्योंकि जो V होता ये एक सेट होता, ठीक है, इसका कोई भी सबसेट W जो है ना ये सब स्पेस कब बनेगा, जब आपके पास ये वी डब्ल्यू जो है ओवर सेम फील्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक दो प्रॉपर्टीज होती है उनको ट्रू करें। वैसे तो ये खुद में जब वेक्टर स्पेस बनेगा तब उसका सब स्पेस बन जाता, ठीक है। लेकिन कुछ टेस्ट रहते जैसे टू स्टेप टेस्ट, उसमें दो स्टेप रहते, उस अगर वो ट्रू कर गया तो सब स्पेस डायरेक्ट दिखाते। वो क्या होता टेस्ट बेसिकली क्या होता, अगर W नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है V का, पहले तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है एटलीस्ट जीरो जो है W के पास होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो जीरो होता ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है स्पेस की, वेक्टर स्पेस की, तो कम से कम जीरो तो उसके पास होना चाहिए। अब दो प्रॉपर्टी ये कौन सी ट्रू करेगा, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ W से उनका सम हमेशा W के पास ही होना चाहिए जिसको आप सब स्पेस बनाना चाह रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट उठाओ W से और एक स्केलर ले लीजिए फील्ड से, ठीक है, ओवर सेम फील्ड ही रहेगा, फील्ड चेंज नहीं होगा। तो अल्फा डॉट एक्स किस पे होना चाहिए, डब्ल्यू के पास ही होना चाहिए। तो बेसिकली वेक्टर एडिशन क्लोज्ड होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अगर क्लोज्ड दिखा रहा डब्ल्यू तो वी में वो सब स्पेस बन जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो कह रखा उसको देखिए, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दो सब स्पेस है, ये दोनों सब स्पेस है वी ओवर एफ के अपने आप में। यानी कि वो ये दोनों W1 W2 क्या ये प्रॉपर्टीज को ट्रू कर रहे होंगे जो हमने अभी लिखी थी। अब हमको दिखाना होता है कि यूनियन इंटरसेक्शन या सब्सट्रैक्शन या ये कौन सा सब स्पेस बनता। वैसे डायरेक्ट भी याद रखना कि इंटरसेक्शन जो होता हमेशा दो सब स्पेस का सब स्पेस बनता, यूनियन मे और मे नॉट भी, जरूरी नहीं है कि यूनियन सब स्पेस ही बनेगा। उसके लिए क्या हम इसको चेक करते सीधे बी को, W1 इंटरसेक्शन W2 को हम सब स्पेस दिखाना चाहते हैं V का, क्या ये बनता या नहीं बनता वो चेक करते हैं। क्योंकि W1 और W2 दोनों सब स्पेस है V के, इसका मतलब हो जाएगा जीरो जो है W1 के पास भी होगा क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी तो चाहिए इसको, और जीरो जो है W2 के पास भी होगा।
जीरो वी की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब वी का जो भी सब स्पेस बनेगा उसके पास जीरो तो होगा ही, तब जाके वो सब स्पेस की बात कर सकते, नहीं तो नहीं। तो ये दोनों के पास है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो जो है इनके इंटरसेक्शन के पास भी होगी। इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट जाते जो कॉमन होंगे, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये आ गई कि नॉन एम्प्टी तो नहीं होगा डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, जिसका आप सब स्पेस दिखाना चाह रहे। अब इसमें क्या होता कि क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन दिखाना होता आपने, तो क्योंकि हम इसको सब स्पेस दिखाना चाहते हैं तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स और वाई जो है डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू के एलिमेंट है, दो वेक्टर लिए हमने, क्योंकि x और y कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं यहां से, x जो है वो एलिमेंट होगा w1 का, y भी एलिमेंट होगा w1 का, एंड x जो है वो एलिमेंट होगा w2 का और y जो है ये एलिमेंट होगा w2 का, ऐसे कह सकते हैं हम यहां पे, क्योंकि w1 अपने आप में सब स्पेस है। तो यहां से मैं क्या क्लेम कर सकता हूं कि x और y जो है W1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि क्लोज्ड तो होगा फिर अंडर एडिशन। और W2 भी क्या है, सब स्पेस है, इसका मतलब X प्लस Y भी W2 के पास होगा, क्योंकि X प्लस Y W1 के पास भी है W2 के पास भी है। इसका मतलब क्या हो जाता कि X1 प्लस X प्लस Y जो है आपके पास W1 इंटरसेक्शन W2 के पास भी आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी ट्रू कर दी टू स्टेप टेस्ट में। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, यहां पे हम क्या लेके चलते, अल्फा एक फील्ड का एलिमेंट है और वी जो है एक एलिमेंट है किसका, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू का, क्योंकि हम सब स्पेसिस को दिखाना चाहते, क्योंकि v इन दोनों के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v जो है w1 के पास भी होगा और w2 के पास भी होगा, यहां से ये क्लेम कर सकते हम। अब यहां पे देखना, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, w1 सब स्पेस है, तो मैं यहां से ये क्लेम कर सकता हूं कि अल्फा डॉट v जो है w1 के पास होगा, क्योंकि अगर कोई सब स्पेस हो तो इस प्रॉपर्टी को तो रखता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है। और सेम मैं किसके साथ कर सकता हूं, W2 के साथ, अल्फा डॉट वी जो है W2 के पास भी होगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसके पास है, ये यही एलिमेंट इसके पास भी है, तो यहीं से मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों के पास है तो उनके इंटरसेक्शन में जरूर होगा। तो दोनों टू स्टेप टेस्ट के दोनों स्टेप इसने ट्रू कर दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस ऑफ बी ओवर एफ, क्लियर है। अब जो यूनियन होता है ना उसके लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो यारा, लेट डब्ल्यू वन इक्वल टू एक ले लीजिए एक्स जीरो, एक्स रियल है, और जो ये डब्ल्यू वन है ना ये सबसेट किसका हो गया, वेक्टर स्क्वायर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर, ये सब स्पेस होता आर स्क्वायर का, ये सब स्पेस बनता, ठीक है। दूसरा ले लेंगे हम क्या, जीरो वाई, जहां पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, वाई रियल है, ये भी सब स्पेस बनता आर स्क्वायर ओवर आर का, होता है क्या, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक वेक्टर स्पेस बनाता ओवर आर, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन में जो डब्ल्यू वन हो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, एक्स एक्सिस को, तो ये सब स्पेस बन गया, इसके पास जीरो तो होता ही है, और ये वाई जो डब्ल्यू टू है ये वाई टू को, इसको y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा, ये भी सब स्पेस है। अब देखना यहाँ पे, इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे ना, W1 यूनियन W2, तो इसमें क्या आ जाएंगे, वो सारे एलिमेंट जो x एक्सिस के ऊपर है और वो सारे एलिमेंट जो y एक्सिस के ऊपर है, कलेक्शन ऑफ इस टाइप के एलिमेंट और इस टाइप के एलिमेंट। यहाँ पे x और y किसके एलिमेंट होंगे, रियल, क्योंकि फील्ड रियल है। अब देखना जरा, जब मैं एक एलिमेंट इसको उठाऊंगा, एक एलिमेंट इसको, और इन दोनों का सम कर दूंगा, क्योंकि अंडर एडिशन क्लोज्ड होना चाहिए, तो यहां से क्या बनेगा, ये एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ जाता है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ, एक्स वाई क्या डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के पास होगा, ये चेक करना हमने। अब देखना, डब्ल्यू वन के डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू के पास कौन से एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट जिनका सेकंड कंपोनेंट या तो जीरो है
या तो फर्स्ट कंपोनेंट जीरो है, एटलीस्ट एक कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स भी नॉन जीरो ले लूँ, वाई भी नॉन जीरो ले लूँ, क्योंकि रियल के है, तो मेरे पास जो एक्स वाई होगा ना, ये आपके पास जीरो जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो हो गया, सेकंड कंपोनेंट भी नॉन जीरो हो गया। यानी कि इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों नॉन जीरो हैं, वो इसके पास नहीं होते। तो इसको मैं कह सकता हूं यहां पे, इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि ये जो है W1 यूनियन W2 में नहीं है, इसीलिए ये सब स्पेस नहीं बनेगा। तो आपको सीधे सीधे याद रखना, जो यूनियन होगा वो मे और मे नॉट भी सब स्पेस, और जो इंटरसेक्शन होगा वो ऑलवेज सब स्पेस। अगला देखिए यहां पे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, अल्फा वन और अल्फा टू दो दो वेक्टर है, और वो किसके वेक्टर है, किसी वेक्टर स्पेस के, ठीक है। ए बी फील्ड के एलिमेंट है, तो सेट ऑफ वेक्टर दे रखा हमारे पास ये, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करना। अगर आप सेट एस को देख रहे गौर से, तो इसमें क्या है, पहला वेक्टर अल्फा वन है, दूसरा वेक्टर अल्फा टू है, तीसरा जो वेक्टर दे रखा वो क्या है, पहले और दूसरे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, पहले और दूसरे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट V1, V2 और V3 का, जिसमें जो V3 वेक्टर है वो V1 और V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो V3 वेक्टर है, तीसरी पोजीशन का जो वेक्टर है, वो किस पर डिपेंड कर रहा, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर पर, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो ऐसे वेक्टर क्या होते हैं, यानी कि ये सेट क्या बन गया, ये तो ये दोनों तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या बन गया, ये पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट। थर्ड वेक्टर फर्स्ट और सेकंड वेक्टर पे क्या कर रहा, डिपेंड कर रहा, इसीलिए ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। बेसिस कौन बनता, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करे, तो बेसिस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियर स्पेन नहीं है। स्पेन का मतलब जो मैंने बोला, अगर कोई बेसिस एस जो है कोई बेसिस है, तो उसका लीनियर स्पेन पूरा वेक्टर स्पेस आना चाहिए, और एस सेट लीनियर इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये डिपेंडेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस स्पेंड बाय द वेक्टर दिस 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 एंड दिस, ये बोल रहा है एक वेक्टर स्पेस है जो इन चार वेक्टर से जनरेट हो रहा, तो उसकी डायमेंशन बताओ। अब हमारे पास क्या दे रखा, एस एक सेट दे रखा वेक्टर का, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, ठीक है, और बोला कि इसका जो लीनियर स्पेन है वो पूरा वेक्टर स्पेस है, जिसमें वी वन वी टू वी थ्री वी फोर ये है। अब ये कह रहा कि डायमेंशन बताओ उस वेक्टर स्पेस की जो इससे जनरेट हो रहा। अब उसके लिए क्या करना आपने, क्योंकि लीनियर स्पेन तो उसका वेक्टर स्पेस आ गया पूरा, अब हमको डायमेंशन के लिए ये चेक करना, चार डायमेंशन तब बनेगी जब ये चारों क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगर ये चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपके वेक्टर की, वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो चार से कम होगी, और कितनी होगी, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। उसके लिए आपको क्या करना होता, मैट्रिक्स का मेथड का यूज करना होता, क्योंकि ये आपके पास चार वेक्टर है, और इनको हम एज अ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स यूज करूं, तो फर्स्ट वेक्टर को मैं फर्स्ट कॉलम में रखूंगा, सेकंड वेक्टर को मैं सेकंड कॉलम में रखूंगा, थर्ड वेक्टर को मैं थर्ड कॉलम में, और फोर्थ को क्या रखेंगे हम, फोर्थ कॉलम में, ठीक है। अब जो रैंक इस मैट्रिक्स की आएगी ना, क्योंकि ये इन वेक्टर से जनरेट हो रहा, अब जो रैंक इस मैट्रिक्स की आएगी वही क्या हो जाएगी, आपके स्पेस की डायमेंशन हो जाएगी। रैंक क्या होती किसी भी मैट्रिक्स की, जितनी उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो
यार लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हो, हमने यही चेक करना कि कितने वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हम करते हैं इकोलन फॉर्म का यूज। इकोलन फॉर्म में क्या होता, सबसे पहले पहली रो पे जाते हैं और उसका पहली जो नॉन एंट्री जीरो होगी उसको वन बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी दे रखी वन। इसके नीचे ऑपरेशन लगाकर सारी जीरो कर देते हैं, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो नहीं है। तो हमको सिर्फ यहां पे क्या करना है, रो थ्री को चेंज करना रो थ्री माइनस टू का मल्टीप्लाई रो वन में करके, क्योंकि जब टू का मल्टीप्लाई करोगे तो टू माइनस टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे लगा दीजिए इस ऑपरेशन को, ये क्या बनेगा यहां पे, ये तो सेम रहेगा जिस पे ऑपरेशन नहीं लगा, ये सेम रहेगा, और ये जीरो थ्री वन जीरो, और यहां पे ये क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखिए थर्ड रो के एलिमेंट में से क्या करना, फर्स्ट रो के एलिमेंट में दो का मल्टीप्लाई करके माइनस टू इज जीरो, ये हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई करो इस पे फोर हो जाएगा, उसको किस से माइनस करना, वन से, तो माइनस थ्री। टू का मल्टीप्लाई करिए इस पे टू हो जाएगा, इसमें से माइनस करना वन माइनस दिस माइनस वन हो जाएगा। अगला क्या करोगे, जीरो, जीरो ही रहेगा। अब देखिए ये क्योंकि पहले से ऑलरेडी जीरो था तो इधर कुछ नहीं करने का, वन फोर, ये हो गया आपके पास। अब इकोलन फॉर्म में करते क्या है, ये तो आपने मार्क कर दिया था ठीक है, अब इसके नीचे सारे जीरो बना दिए। अब सेकंड रो पे उतरिए जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, उसको क्या कर दीजिए मार्क फिर से। अब उसमें क्या करना, उसके नीचे के सारे जीरो बनाने, यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं किसको चेंज कर रहा हूं, अगर मैं यहां ऑपरेशन लगाऊं कि सेकंड मैट्रिक्स में, और मैं चेंज करना चाहता हूं आर थ्री को, और किस तरीके से चेंज करूंगा, आर थ्री प्लस आर टू, ये चेंज करूंगा। जब मैं आर थ्री प्लस आर टू करूंगा तो माइनस थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो इसको मैं इसी मैट्रिक्स में लिख लेता हूं, ये जीरो हो गया। वन माइनस वन कितना हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसको मैं इसी मैट्रिक्स में लिख दूं तो ये भी जीरो बन गया, जीरो माइनस जीरो जीरो, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना, इसको भी जीरो बनाना, इस वाली एंट्री को, इस वाली एंट्री को जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर फोर को चेंज करना पड़ेगा, और आर फोर को किस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, आर फोर प्लस पहले इस सेकेंड रो में एक बटे तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये क्या बन जाएगा, जब आप वन बाई थ्री इंटू थ्री करोगे तो ये वन हो जाएगा। फिर माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा, अगर आप यहां तक पहुंच चुके तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसी में यहां पे करते हैं इसको। अब देखना जरा ये बनेगा क्या, वन टू वन जीरो पहले से, जीरो थ्री वन जीरो पहले से, जीरो 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 ये पहले से ही है। अब आपको करना क्या, ये जीरो है, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, फिर ये ऑपरेशन लगने के बाद, ये वाला ऑपरेशन लगने के बाद ये जीरो हो जाएगा। अब देखना इसमें क्या किया आपने, वन के साथ किसको ऐड करना, इस वाली रो पे वन बाई थ्री का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, कितना हो जाएगा ये, फोर बाई थ्री, क्लियर है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये फोर बाई थ्री एंट्री, और अगली एंट्री क्या मिलेगी हमको, ये तो जीरो है तो फोर ही मिलेगा, ये आ जाएगा आपके पास। अब इससे मिला मुझे क्या, ये मेरे को पहले पाइवट मिल रखा था, इसके बाद सेकंड रो पे आप यहां तक आ चुके थे, ये पूरी जीरो रो है। एक जीरो रो होने का मतलब है रैंक में एक की कमी होना, और अगला इसके नीचे क्या एग्जैक्टली राइट में ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी पाइवट बन गया। टोटल नॉन जीरो रोज कितनी आई, वन टू एंड थ्री। अब कोई भी ऑपरेशन लगाओ आप यहां पे रो, आपको इससे ज्यादा जीरो रोज नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, इस मैट्रिक्स की जो रैंक आई वो आई टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और नलिटी कितनी आई इसकी, वन, यानी कि एक डिपेंडेंट वेक्टर है इन चार में से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इज थ्री। जब भी आपको डायमेंशन चाहिए तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, ये है लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू ओवर एफ टू अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ।
एक चीज देखना, एक मैपिंग टी फ्रॉम यू ओवर एफ पे वी ओवर एफ पर, फील्ड सेम होगा यहां पे, ठीक है, स्पेस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फील्ड सेम होगा। एक मैपिंग यू ओवर एफ से वी ओवर एफ तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। कब? जब भी आप कोई दो वेक्टर उठाओगे यू और वी, डोमेन स्पेस, इसको डोमेन स्पेस बोलते हैं, इसको को डोमेन स्पेस बोलते हैं। अब जब आप इन दो वेक्टर का सम करोगे ना, फिर इस मैप के अंदर इसकी इमेज निकालोगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रखोगे, ये बराबर होगा उन दोनों वेक्टर की इमेज के सम के, यानी कि टी यू प्लस टी वी। पहली कंडीशन ये होती। दूसरी कंडीशन क्या होती कि अगर अल्फा जो है फील्ड का एलिमेंट हो और यू जो है स्पेस का एलिमेंट हो, तो जो स्केलर मल्टीपल अल्फा यू होगा इसकी जो इमेज होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? स्केलर मल्टीपल ऑफ इमेज ऑफ यू, अल्फा बाहर आ जाएगा। अगर कोई भी मैप इन दोनों कंडीशन को ट्रू करती है उसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस वही डेफिनेशन यहां पे पूछी है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखते हो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, टी ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा इक्वल टू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस बीटा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रखा उसने, तो टी ऑफ अल्फा। सेकेंड प्रॉपर्टी से मैं माइनस वन को बाहर लेके आऊंगा, टी ऑफ बीटा, तो ये करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पे माइनस दे रखा, टी ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस टी अल्फा, गलत है क्योंकि अंदर से बाहर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्केलर वैल्यू, यहां पे अल्फा और बीटा को वेक्टर बोला गया, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखें, टी ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जीरो सिर्फ और जीरो पे, सिर्फ और सिर्फ जीरो पे ही मैप करता। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डोमेन स्पेस की जो आइडेंटिटी होती है वो को डोमेन स्पेस की आइडेंटिटी पे ही मैप करती, अदरवाइज वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। अगली प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है कि टी ऑफ फाइव अल्फा इक्वल टू वन बाई फाइव, यानी कि वन बाई अल्फा की फॉर्म, मतलब वन बाई कॉन्स्टेंट की फॉर्म में रखा उसने स्केलर वैल्यू, तो ये गलत है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिफाइंड बाई दिस। आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी और बोला गया कि इसकी रैंक क्या होगी। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रैंक होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन की, वो बराबर होती उसके रेंज स्पेस की डायमेंशन के, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप रेंज स्पेस की बात करें, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज स्पेस बेसिकली होता है, रेंज का मतलब क्या, इमेज का कलेक्शन, तो रेंज स्पेस होगा कलेक्शन ऑफ ऑल टी यू, जहां पे यू क्या होता डोमेन स्पेस का एलिमेंट, और डोमेन यहां पे क्या दे रखा हमारे पास आर स्क्वायर, क्लियर है। तो हमको रेंज स्पेस की डायमेंशन बनानी है। डायमेंशन बनाने के लिए क्या करना होता, जो रेंज स्पेस है उसका बेसिस फाइंड करना होता। बेसिस क्या होता, कुछ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का कलेक्शन जिसका लीनियर स्पेन, यानी कि उसका जब लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे आप तो वो पूरे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को दे दे, ठीक है। तो जब आप इसमें देखते हो तो रेंज स्पेस कौन है, ये रेंज है, रेंज स्पेस है इसका ये ए माइनस बी, बी माइनस ए माइनस ए, जहां पे ए और बी कहां से है, फील्ड के एलिमेंट है। ये है इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी इमेज दे रखा होता है उसको कलेक्ट कर दीजिए एक कलेक्शन के अंदर, वो रेंज स्पेस हो जाएगा। अब जब भी आपको रेंज स्पेस की डायमेंशन निकालनी होगी तो आपको उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कुन किन किन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से मिलकर बना उनको फाइंड करना पड़ेगा। और उसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, करना क्या आपने a माइनस बी, बी माइनस ए, और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ए, इसको लिखिए। और एक इसको ये जो दे रखा ना इसको एक किस एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखिए, यानी कि ए को पहले पोजीशन पे, बी को दूसरी पोजीशन पे, सी को तीसरी पोजीशन पे, इसी तरीके से आगे बढ़ते। जैसे यहां देखो कैसे रखना है इसको, ये ए हो गया प्लस माइनस बी को सेकंड पोजीशन पे, ए पहली पोजीशन पे, बी माइनस सेकंड पोजीशन पे, और माइनस ए प्लस बी इसको इस पोजीशन पे ला दिया, इसको बेसिकली कॉमुटेटिव
रहता ही है, एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और माइनस ए और बी नहीं है तो उसकी जगह जीरो, आप चाहे तो बी को पहली पोजीशन पे रखोगे या ए को सेकंड पे, कर सकते हैं, लेकिन एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर बी पहले पे तो यहाँ पे भी बी पहले पे, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये दो वेक्टर का एडिशन दिख रहा है हमको, ये फर्स्ट कंपोनेंट किसका, एक वेक्टर का। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस बी, बी और जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। जब इन दोनों का सम कर दोगे ना आपको, तो ये मिलेगा। अब देखना यहां पे करना क्या, a कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 1, प्लस बी कॉमन ले लीजिए माइनस 1 1 0, ये बन गया आपके पास। अब आपका जो ये एलिमेंट था ना, एक जो लीनियर स्पेन में था, यानी कि रेंज स्पेस के पास जो एलिमेंट था, वो किस किस से बन मिलकर, किस किस के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना, इसके और इसके, तो ये जो सेट है इसको लिखिए आप 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0, ये आपके पास क्या बन गया, एक सेट बन गया जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आपका जो रेंज स्पेस है उसके एलिमेंट बन रहे। बस अब आपको सिर्फ ये चेक करना कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस से चेक करने के लिए आपको क्या करना होता, अगर आपके पास कोई वेक्टर v1 और v2 है, ठीक है, और उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना आपने, तो सबसे पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, अल्फा और बीटा दो स्केलर लेकर, और उसको इक्वल टू जीरो रखो। अब आपको करना क्या, सॉल्व करना है इसको पूरा, और अगर आपको सॉल्व करते हुए अल्फा और बीटा दोनों जीरो मिले, जो कांस्टेंट लगाए थे आपने, तब आप कहोगे कि बी वन और बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा और बीटा इज नॉन जीरो, अल्फा और बीटा में से कम एक भी नॉन जीरो है ना, तब आप कहोगे कि बी वन बी टू जो है वो एल डी है, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। वैसे तो जो ये सेट दे रखा है, ये खुद दिख रहा कि लीनियरली डिपेंडेंट ही होने, इनडिपेंडेंट होने वाला, उसका कारण है इसके पास ये जीरो होना। जब थ्री टपल का एलिमेंट है और एक पे सब नॉन जीरो एंट्रीज है, दूसरे पे एक पोजिशन पे जीरो होगा, तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट आएंगे। उसका कारण ये है कि मैं वी वन के ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दूं, कौन से स्केलर का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वी टू मिले। लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब यही है कि एक वेक्टर के ऊपर कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर मिल जाए। तो क्या आप इस वेक्टर के ऊपर कोई एक ऐसा स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हर एक एंट्री के पास, जिससे आपका सिर्फ थर्ड एंट्री जीरो बन जाए, कभी भी नहीं। अगर इसको जीरो करना चाह रहे आप, तो आपके पास ओनली पॉसिबिलिटी कि अल्फा इक्वल टू जीरो रखो आप। जब आप अल्फा इक्वल टू जीरो यहाँ इसके ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो, जो कि ये मिलेगा नहीं, तो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से करिए, अल्फा वन माइनस वन वन प्लस बीटा, ये क्या था अपने पास, माइनस वन वन जीरो, माइनस वन वन जीरो इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, ये जीरो राइट हैंड साइड पे जो है वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जितने टपल के यहाँ पे वेक्टर होंगे। अब जब आप इसका सम करोगे, तो अल्फा माइनस बीटा अंदर मल्टीप्लाई करके, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू जीरो, और इसको जब यहां पे रखोगे तो बीटा इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन गया, एल आई। तो यहां से हम कह सकते कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है दोनों। अब कितने बेसिस के पास जितने एलिमेंट होते वही उसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ वी, तो जो दे रखा है आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डायमेंशन, तो टू इसकी डायमेंशन हो जाएगी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन दे रखा, इफ u इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 एंड v इक्वल टू दिस आर टू वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस v, देन u और v क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, बेसिस है या कुछ तो, ठीक है। अब यहां पे देखना, आपके पास जो u और v दे रखे हैं, ये है एक किस इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल की फॉर्म में दो वेक्टर,
तो हम इसको लेके चलते हैं कि ये फैक्ट्री स्पेस जो होगा वो पॉलिनोमियल्स का है, और यू और वी के कितने डिग्री की पॉलिनोमियल, 2 डिग्री की। अगर ये पॉलिनोमियल का कलेक्शन सिर्फ 2 डिग्री का ही होता, ठीक है, तो जो बेसिस बनता ना इसके लिए वो क्या बनता, 1t और t स्क्वायर। अगर आप इसको देखो u को तो किस किस से मिलकर बना, कांस्टेंट टर्म इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, t और t स्क्वायर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, और ये किस से मिलकर बना, 1t t स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन होती एटलीस्ट कितनी है, कम से कम 3 तो है, लेकिन ये इससे ज्यादा का भी हो सकता, ठीक है। अब हमको सिर्फ इतना चेक करना कि ये li है या नहीं, 3 से ज्यादा जब है ना, कम से कम 3 जब इसकी क्या है डायमेंशन है, तो ये बेसिस तो नहीं बनेगा, इतना तो कंफर्म हो गया, बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, यानी कि जो ये u और v दो वेक्टर है ये पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट तो नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है कि डायमेंशन इसकी क्या है, कम से कम 3, इसके बेसिस में कम से कम 3 एलिमेंट तो चाहिए, जबकि u और v सिर्फ 2 है। अब जब आप इसको li और ld दिखाना चाहते हो तो आप अल्फा u प्लस बीटा v इक्वल टू 0 कर दीजिए, जो प्रोसेस है। अब अल्फा 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 प्लस बीटा 6t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कर दीजिए आप। अब इसमें देखिए यहाँ पे अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करिए, बीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर टी स्क्वायर टी और कॉन्स्टेंट टर्म को अलग अलग कर दीजिए। तो जब मैं इसका अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 अल्फा प्लस 6 बीटा यहाँ से आ जाता और टी स्क्वायर कॉमन हो जाता, प्लस सेकेंड टर्म में क्या होता 5 अल्फा प्लस 10 बीटा और टी कॉमन हो जाता, लास्ट क्या मिलता हमारे पास -3 अल्फा -5 बीटा इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए राइट साइड के साथ, यानी कंपेयर करिए टर्म, ना तो वहां पे टी स्क्वायर है और ना आपके पास क्या है बेसिकली यहाँ पे ना टी है ना कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू 0। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास 5 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को देखो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो ये बचता अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। एक तो हमको ये मिल गया, एक तो हमको क्या मिल जाएगा, ये ये मिल जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिल जाएगा यहां से -3 अल्फा -3 अल्फा -5 बीटा इक्वल टू 0। यहां से 3 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो दो इक्वेशन बचे, इन दोनों को सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू 0 और 3 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को सेम रहने दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, अल्फा 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे बीटा इक्वल टू 0। अगर बीटा इक्वल टू 0 आया किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, अल्फा इक्वल टू भी 0 आ गया। तो हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें हमारे अल्फा और बीटा कितना आया, 0। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स ऑफ टाइप n बाई n। ये कह रहा आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है जिसके अंदर क्या है, आपके पास ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन है कितने ऑर्डर के, n ऑर्डर के, जहां पे aij क्या हो जाएगा आपके पास नॉन जीरो होगा, बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू फील्ड से, कब कब, जब i इक्वल टू j होगा। डायगोनल एंट्रीज स्केलर मैट्रिक्स क्या होता,
जिसकी डायगनल एंट्रीज कोई फिक्स कांस्टेंट हो, और ए आई जे जो है वो जीरो होगा, किसके लिए, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, डायगनल एंट्रीज के अलावा सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो जब भी आपको वेक्टर, आपका वेक्टर स्पेस जो है मैट्रिक्स का दे रखो, तो आप सबसे पहले उसकी रेंज स्पेस लिखिए, उसका रेंज स्पेस किस टाइप का होगा, मान के चलो डायगनल एंट्री जीरो ए है, जीरो जीरो डॉट डॉट जीरो, जीरो ए जीरो डॉट डॉट जीरो, और ऐसे ही करते आप जीरो ए लेके आओ, ये हो जाएगा आपके पास एन बाई एन ऑर्डर का, ठीक है। अब आपको ये देखना कि उस मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो एंट्री कितनी है, और वो नॉन जीरो एंट्री सेम कितनी है, डिफरेंट कितनी है, ये चेक करना। नॉन जीरो एंट्रीज है डायगनल में एन, टोटल आएंगी एन, लेकिन सारी की सारी सेम है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे वो वेक्टर चेक करना यहाँ पे, या वो वेक्टर फाइंड करना जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन से ये बनता होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है किसका, स्केलर मैट्रिक्स के कलेक्शन का। तो मैं यहाँ पे ए को कॉमन ले लूंगा, किसी भी मैट्रिक्स से किसी कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे मिलेगा क्या, वन जीरो अप टू जीरो, जीरो वन अप टू जीरो, जीरो डॉट डॉट वन, ये मिलेगा। इसके अलावा कोई और वेक्टर नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो मेरा बेसिस बनना चाह रहा, यानी कि जो मेरे स्केलर मैट्रिक्स को जनरेट कर रहा, वो कौन सा मैट्रिक्स है या कौन सा वेक्टर है, वन जीरो 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 वन जीरो जीरो डॉट डॉट वन, इस टाइप का मैट्रिक्स है। इसके अलावा कोई भी नहीं, तो कितने एलिमेंट गए बेसिस में, एक, तो डायमेंशन ऑफ बी कितनी हो जाएगी, वन। तो ध्यान रहे, स्केलर मैट्रिक्स का जो कलेक्शन होगा वो एक वेक्टर स्पेस बनाता, और वेक्टर स्पेस जब बनाता तो उसकी डायमेंशन कितनी होती, वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे भी आप देख रहे हैं किस एग्जाम में आ रखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस सेट का, वो है द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी और उसका मैट्रिक्स पूछ रहा। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के ऊपर, यानी कि सेम वेक्टर स्पेस डोमेन का है, सेम कोडोमेन का। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसी दे रखी, टी एक्स वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस टू वाई टू एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या देखा कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो v से ओवर v से v तक है सेम वेक्टर स्पेस पे, ठीक है, उसकी जब हमको क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना होता, तो सबसे पहले हमको डोमेन स्पेस का बेसिस चाहिए होता, फिर को डोमेन स्पेस का बेसिस चाहिए होता, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पे बेसिस क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसके रिस्पेक्ट में निकालना, तो दोनों का बेसिस सेम है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम वेक्टर उठाते एक v, जो कि वेक्टर किसका कहां से होता, डोमेन स्पेस से या डोमेन स्पेस का बेसिस से, ठीक है, उसकी इमेज मिलती है हमको कोडोमेन स्पेस पे, ठीक है। तो कोडोमेन स्पेस पे हमको ये मिलेगा। अब एक चीज देखना, जो कोडोमेन स्पेस पे ये एलिमेंट मिला मुझे, ये एलिमेंट किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, कोडोमेन स्पेस के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि किसी भी वेक्टर का कोई भी जो एलिमेंट होता वेक्टर स्पेस का, कोई भी एलिमेंट जो होता वो उसके बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होता। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली एंट्री क्या दे रखी है मेरे को, आर स्क्वायर के बेसिस के, वन जीरो, वन जीरो रखिए आप यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। जब आप x की वैल्यू वन रखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या मिलेगा, फोर, ये जीरो जाएगा और ये टू, क्लियर है। और ये जो वेक्टर आया ना, ये कहां पे आया, रेंज में, और रेंज किसका है इसका, भले अभी सेम है डिफरेंट भी हो सकता, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट होगा ना, वो इसके बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा, और इसका बेसिस कौन है, वही सेम। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अल्फा वन जीरो प्लस बीटा जीरो वन, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अगला देखिए, जब हम यहां पे जीरो वन रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, x की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये क्या मिलेगा, ये जीरो जाएगा, और y की वैल्यू वन रखोगे तो माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो, y की वैल्यू वन। ये जो एलिमेंट मिला ये बेसिस का मिला, और ये जो बनेगा फिर से अल्फा वन जीरो
प्लस बीटा 01 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। अब जब हम क्या करते हैं यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, जब आप यहां पे देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 2 क्या हो जाएगा, अल्फा, ये अल्फा यहां जाएगा, बीटा यहां पे जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट का, वहां पे 0 है तो ये रहेगा, फिर 0 के साथ बीटा 1 तो ये बीटा हो गया। यहां से कंपेयर करो, अल्फा की वैल्यू 4 आई, बीटा की वैल्यू 2 आई। दूसरे में देखिए -2 1, इसमें भी सेम करिए, दोनों का सम कर दीजिए, फर्स्ट कंपोनेंट यहां पे भी अल्फा आएगा, ये इसका सम किसके साथ होगा, इसके साथ, यानी कि बीटा का मल्टीप्लाई करोगे पहले फिर सम करोगे, तो यहां पे अल्फा आया और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट पहले अल्फा का 0 पे मल्टीप्लाई करो, फिर इसका एड किसके साथ करना, जब बीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीटा आएगा। यहां से हमको अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा -2, बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1। अब करना क्या होता, करना ये होता अल्फा की वैल्यू अल्फा की जगह रखिए, बीटा की वैल्यू बीटा की जगह रखिए दोनों तरफ। तो यहां पे देखिए, यहां पे अल्फा क्या आ जाएगा, पहले वाले में अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना आ जाएगा, यहां पे पहले वाले में बीटा की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 रख दीजिए, और दूसरे वाले में अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है दूसरे वाले में 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब सुनना, जो ये कोफिशियंट आए ना, ये इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, 4 2 -2 और 1, ये मैट्रिक्स बना आपके पास। अब जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको लिखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, क्योंकि यहां वेक्टर स्पेस सेम है तो दोनों के सेम, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यह आएगा, आपने क्या कर देना, फर्स्ट रो को कॉलम लिखना, सेकंड रो को भी कॉलम में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जहां पे भी मिले। तो कहां पर मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 -2 2 -1, इस तरीके से बनेगा। अब लास्ट में काम की बात क्या है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस हुए, इनको बोलते स्टैंडर्ड बेसिस जिसमें 0 1 यूज हो रहा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है आर स्क्वायर का, अगर स्टैंडर्ड बेसिस दे रखे होते तो मैट्रिक्स आपका डायरेक्ट क्या बनता, एक्स के कॉफिशियंट को फर्स्ट रो पे लिखो, यहाँ पे एक्स का कॉफिशियंट यहाँ पे 2 है, वाई के कॉफिशियंट को सेकंड रो पे लिखो, ये है, ये तरीका है इसको डायरेक्ट आंसर बनाने का। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 2 -2 1, ये बन जाएगा, और आंसर क्या आ गया, ए। या तो सिर्फ इतना ही करो या वो, और वो आपको अभी डिटेल में करने के लिए एग्जाम में आप इसी पैटर्न का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, टोटल 9 क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा में 2017 के एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या है, U1 इक्वल टू दे रखा है एक वेक्टर स्पेस, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिक्स ऑफ 2 बाई 2, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट ए भी होंगे, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे, वो फिक्स है कि 0 ही होंगे, और दूसरा मैट्रिक्स U2 क्या दे रखा कि फर्स्ट और थर्ड एंट्री जो होगी मैट्रिक्स के अंदर 2 बाई 2 के मैट्रिक्स के अंदर वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ होगी वो 0 ही होगी, इस तरीके के 2 वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, डायमेंशन ऑफ U1 प्लस U2 निकालनी है, 2 वेक्टर स्पेस का या 2 सब स्पेस का सम कर दीजिए। सम करने का मतलब है, क्योंकि 2 बाई 2 के 2 मैट्रिक्स है, तो ए बी 0 0 प्लस ए 0 सी 0, ये बनेगा कलेक्शन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट, जहां पे ए बी सी क्या कहां से आएंगे आपके पास, कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी। अब इसमें देखिए आपको क्या मिलता, 2a हो जाएगा, 2 मैट्रिक्स का सम क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम 2a, और यहां पे बचेगा b, इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ c, इसका इसके साथ 0, ठीक है, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, क्लियर है। अगर आपके पास वेक्टर स्पेस में मैट्रिक्स दे रखा तो आप ये देखिए ए बी सी, यानी कि जो ये वेरिएबल टाइप की वैल्यूज है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो दे रखे, ये डिफरेंट कितने है, उतनी उसकी डायमेंशन होगी, ठीक है, जितनी ये डिफरेंट होंगे ना ए बी सी, यानी कि आपके मैट्रिक्स के अंदर 0 कितनी बार है पहले वो काउंट कर लीजिए,
दूसरा क्या काउंट करना आपने कि कोई रिपीटेड तो नहीं, जैसे यहाँ पे ए दो बार होता ए ए, तो आपको उसको एक ही काउंट करना, कैसे वो देखिए जरा, क्योंकि ये एक एलिमेंट किसका, इसके किस आपके पास क्या होगा, ये रेंज स्पेस का एक एलिमेंट है। जब आप इसको दिखाओगे कि किस किन किन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2a 0 0 0 प्लस, अलग अलग कर दूंगा मैं सबको, 0b 0 0 प्लस 0 0 c 0, अलग अलग कर सकता हूँ मैं इसके अलावा कहीं, यानी कि पहले मैंने ये नॉन जी मतलब ये वाली एंट्री रखी, बाकी सब जीरो, फिर मैंने सम करा किसके साथ, ये वाली रखी बाकी सब जीरो, और फिर मैंने सम किया ये वाली रखी बाकी सब जीरो। जब आप इन तीनों का सम करोगे ना तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे करना क्या आपने, यहाँ पे आप इनको जो कांस्टेंट वैल्यूज है अंदर आर्बिट्री वैल्यू, इसको बाहर ले लीजिए कॉमन 2 0 0 0, ये हो जाएगा। B ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 0 1 0 0। अब यहाँ से क्या ले लीजिए, C कॉमन ले लीजिए 0 0 1 0, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो वेक्टर स्पेस U1 प्लस U2 है ना, ये किन किन से मिलकर बना, ये बेसिकली इसके एलिमेंट किन किन वेक्टर से मिलकर बने, ये वाला वेक्टर V1, ये वेक्टर V2, ये V3, तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये उसका कारण ये है कि जो नॉन जीरो एंट्रीज है इनके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है। तो आपका आपका जो वेक्टर स्पेस का बेसिस बनेगा वो क्या बनेगा, v1 v2 v3। यहाँ पे एक वेक्टर क्या, 2x2 का मैट्रिक्स, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ u1 प्लस u2 जितनी इसकी कार्डिनलिटी है, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3, देन द करेक्ट आंसर इज 3। तो ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए, आप चाहे तो TGT का कोई पेपर दे रहे हो, ठीक है, या PGT का पेपर दे रहे हो, या UKPSC के अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या TGT PGT किसी भी स्टेट का, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर के ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।